मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बुधवार को राजस्थान का 2021-22 का बजट पेश किया। परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने सीएम अशोक गहलोत द्वारा पेश किए बजट को बेहतरीन बताया। उन्होंने कहा कि यह बजट केंद्र सरकार के बजट पर एक तमाचा है। केंद्र सरकार ने सिर्फ खुद को राहत पहुंचाने का काम किया है, जबकि प्रदेश की गहलोत सरकार ने इस बजट को आमजन के बीच जाकर उनकी जरूरत को ध्यान में रखते हुए तैयार किया है। विपक्ष को सबक लेना चाहिए। विपक्ष को भी कहा कि आपकी अच्छी योजनाओं की मैं तारीफ करता हूं, लेकिन आप एक टेबल नहीं बजा सकते। आज दुख का दिन ये था। आप जब बजट पढ़ेंगे तो मैं इतना कह सकता हूं, ये हिंदुस्तान की जितनी सरकारें हैं उन सरकारों में सबसे अच्छा बजट मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने दिया। केंद्र सरकार के बजट को तराजू के एक पलड़े में रख दो। जिन मोदी जी ने बड़े बड़े वादे किए थे और जिन्होंने कहा था मेरा 56 इंच का सीना है, मोदी जी आपका 56 इंच का सीना तो काम नहीं आया, लेकिन जनता के प्यार और प्रेम के बाद जो जनता को आज छूट दी, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा आपका सीना तो 56 इंच का झूठा साबित हो गया, लेकिन हमारा मन और हमारा सीना 60 इंच का है। और उन्होंने अपने 60 इंच का जो वादा किया वो 60 इंच के सीने की जो बात कही उन्होंने साबित कर दिया। किसी सेक्टर में कोई टैक्स नहीं और हर सेक्टर में छूट ही छूट को पूरा करने वाला ये बजट। पेट्रोल डीजल और गैस सिलेंडर के नाम पर केंद्र सरकार के धोखे के बाद अपने जले हुए घावों पर नमक जो इनके ऊपर केंद्र सरकार छिड़क रही थी, केंद्र सरकार जो जनता के महंगाई के घावों पर नमक छिड़क रही थी रोज, उन सब पर मरहम लगाने वाला बजट राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने दिया। ये बजट इतिहास में अमर हो गया है और इस बजट से केंद्र की मोदी सरकार को सबक लेना चाहिए। ना कोई टैक्स और ना कोई जुल्म, ना अन्याय, ना मनमानी, बड़े दिल के साथ, खुले दिल के साथ और बड़े साधारण तरीके से इतना अच्छा बजट देकर, बिना करके इतना बढ़िया बजट देकर, हर सेक्टर में छूट देकर ये साबित कर दिया। बीजेपी के लोगों ने तो इतना बड़ा पाप किया, जब कर की बात आई तो वो बोले अब देखना, तब उन्होंने ये घोषित कर दिया कि मैं तो कर में छूट दे रहा हूँ, कोई कर नहीं लगा रहा। उनके चेहरे देखने लायक थे। मैं इतना कह सकता हूँ, बीजेपी राम का नाम लेती है लेकिन राम के सिद्धांत पर नहीं चलती। कांग्रेस राम के सिद्धांत पर चलती है, इसीलिए